खुली फिट गई बड़े धूप वाला छली लगा के क्या है माफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या हो गया? जी हूँ तो मैं लोकली, फिर आप लोग इस चीज में कमी कहाँ पे है? अच्छा, जैसे अब आपकी फसल तो बर्बाद होगी, दोनों की बर्बाद हो बोलेगी आप कुछ लगा लो, ऋण आपको दे रही है, ऋण माफ मूफ भी करना मार को कि ऐसे ही हम छोड़ देने हैं? वही तो है, ऋण नहीं करे माफ, वो बोले की तुम और ऋण लो, ऐसे का कौन देना, और ऋण लो तुम फसल उगाओ फिर कमा के फिर भरपाई करो। अरे या तो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है कि इस ऋण से तुम पिछला अपना ऋण चुकाओ, जो बचा उससे फसल उगाओ, पर ब्याज तुमको देना पड़ना बराबर भाई जो पहले लगा था। तो भाई बुरा हाल नहीं होना सर, अब ये स्कीम है तो खत्म है भाई, तुमको मैं बता रहा हूँ क्योंकि हूँ तो वैसे मैं सरकारी बंदा ही हूँ, ठीक है, पर किसान भी हूँ, तुम लोगों को मैं अपने करके ये बात बता रहा हूँ, अंदर अंदर की बात, ऐसा सी दिक्कत है, पर सरकार तो बोलेगी भाई बढ़िया स्कीम निकाली हमने किसानों के लिए, इतना पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, ब्याज ऐसा करेंगे, नहीं मार को फिर मुआवजा बेचारा नहीं मिलेगा जो हमारा है बर्बाद हुआ जो हमारा बुरे हाल हो गए। हाँ जी, अब इस पे तो ये ऋण से करना पड़ेगा आपको मुआवजा, जैसे कुछ जो सरकार घर घुर जलते मुआवजा देते तो हम ऐसे ही हो गए, हमारे लिए तो एक भी जल गया ना, एक तरह से खत्म हो गया ना जी, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो खत्म हो गया, क्या करेंगे, आपता हो ना जी, हम क्या करेंगे इसमें दादा, तो मैं भी क्या कह सकता हूँ, पर मेरे जितना मुझे पता है सरकार बस ऋण का एक को देके किसानों की आंखों में धूल झोंक रही, मतलब जिसको जान से उसको ये बात जैसे बोलते हैं ना, हम ठगा देते किसी को, बस वैसे ही काम है। तो भाई जी, और रिलायंस बुलाओ आ रही है, बोलो हमारा ऋण माफ करेगी क्या, उसका क्या, उसका क्या है, रिलायंस थोड़ी ऋण माफ करती है, अब रिलायंस आ रही है, ठीक है। अब आपके खेत में कितने तरह का माल होता है, कितने ग्रेड में बांटते हो आप? हम चार ग्रेड में, ए ग्रेड, बी, सी। अब रिलायंस लेगा, इतनी बड़ी कंपनी है बाहर से आ रही है, सारा थोड़ी देगा आपका एबीसी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ग्रेड का माल, सही बोला भाई ने, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल। मेरे दोस्त शिमला में ऐसे हुआ, उसके साथ भी टॉप टॉप का माल ले जाते हैं, बाकी तो ऐसे है, कुछ नहीं हो, जूस वगैरह बनता है तो कुछ नहीं है। हाँ, तो जो बाकी हाँ। आपका माल बचा वो कहाँ बेचना आपने, सही बोला, ये बात सही बोला भाई ने। और लाइन्स वाला भी कुछ मुझे फंडा सही नहीं लगा सरकार का, इसमें हमारा 20-30% जाएगा जितनी हमारी फसल होगी, ये बात, बाकी 70 तो फ्री जाना पड़ेगा अपने भाई बंधुओं का, जो हमारे आर्थी है व्यापारी है सब्जी मंडी में, इससे बढ़िया हम अपने भाई बंधु में उनको पूरा माल दे देते हैं, हम क्यों रहे इसको, हाँ, तब क्यों देना, क्यों देना, तो काम ही 70% माल तो हमारे इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है, सारा सारा ही दे देते हैं, खराब करे तो हम अपना एक ग्रेड माल भी नहीं देगा अपने। ये बात सही, ठीक बोला, ठीक बोला भाई साहब, ऊपर से आपको पता है कोरोना लगा हुआ है, भाई भाई अब जो रिलायंस के यहाँ पे मुश्किल से एक या दो जगह होगा, बद्दी में होगा इनका प्लान, ठीक है। अब इनके जो वर्कर आएगा बाहर से, हिमाचल के बाहर से आएगा तो बीमारी भी आएगी, अब गाँव गाँव जाएगा तो कैसे हम बीमारी को रोकेंगे? अब आपके खेत में 5 आदमी आ गए, उसमें से क्या पता है, हो सकता है उसको क्या पता बीमारी भी हो, उसमें फैला दी पूरे गाँव में। आप शाम को जैसे मुझसे मिले, भाई से मिले, 30 जन से और मिल सकते हो, तो सबको बीमारी फैल गई, फायदा क्या होगा इस चीज का? ये तो सही बोला, ठीक बोले भाई, ये तो बिल्कुल एक नंबर, सबको समझनी चाहिए। चलो ठीक है भाई, मिले बुरा हुआ ना भाई, नाखे सरकार कुने भाई, बुरे हाल भाई, बुरे हाल भाई, खत्म। अरुणोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहल कुल्लू, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर सेशन 2020-2021, 11th एंड 12th साइंस एंड कॉमर्स इन अरुणोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहल कुल्लू,
100 डेज कोचिंग आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ सिलेबस ऑन 31st October. फॉर एडमिशन डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9417205900, 8213963002, 7018417, 8219737366. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट मिस्टर एस के मल्होत्रा एडमिनिस्ट्रेटर, मिस्टर तारा सिंह ठाकुर प्रिंसिपल, 9418054580, 9418010151.